नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में व्याकरण पाठ वाक्य विचार के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 1 से 4 तक के भेदों की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं और आज हम 5 से 8 तक के भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जहाँ पर इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे, अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्राप्त करे, भगवान करे सब कुशल रहें। बच्चों, यहाँ पर किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा प्रकट की गई है, किसी के लिए कामना की गई है, तो इस तरह के वाक्य जहाँ पर होते हैं उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, इससे आगे है जो नेक्स्ट उदाहरण है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वहाँ होता है जहाँ पर शंका व्यक्त की जाती है, जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर संदेह होता है, डाउट होता है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे, शायद वह आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, या शायद हम घूमने जाएं। तो प्रत्येक वाक्य में डाउट है, संदेह प्रकट किया गया है। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्य हैं कि वहाँ पर हमें डाउट होता है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिबोधक या उद्गार वाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो गई। तो इस तरह के वाक्य जो है बेटा, वो संदेह विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। और नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जिसके कारण शर्त आदि का बोध होता है। अर्थात, यदि तो का प्रयोग ज़्यादा होता है, अगर वह चले तो मैं अवश्य आऊँगा। तो यहाँ पर जो है, चलना आने पर निर्भर है, मन लगाकर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एक क्रिया पढ़ना होंगे उस पर निर्भर है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती।